दोस्तों अगर आप भी बुमराह और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी, उनके 6 विकेट को देखने के बाद ना मैक्सवेल से लेकर रोहित कोहली जैसे खिलाड़ी भी बुरी तरीके से दंग रह गए हैं। लेकिन इस दिग्गज पर कुछ ऐसी बातें कह दी कि सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार दोस्तों एक एक खिलाड़ी ने क्या कहा, हर किसी के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजर में, नीचे कमेंट कर हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच को ना भारतीय क्रिकेट टीम 90% जीत कर अपने नाम कर चुकी है। सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल ने पल्ले से कोहराम मचाया, लेकिन अब गेंद से भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम ऐसा दिखाया है कि देखने वाले बस देखते ही रह गए हैं और भारतीय क्रिकेट टीम जीत की तैयारियों में जुट गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ दूसरे दिन के खेल का, सबसे पहले तो हमें यशस्वी जायसवाल का शानदार दोहरा शतक देखने को मिला और दोस्तों इसी दोहरे शतक के बाद भारतीय क्रिकेट टीम 396 के स्कोर पर भी पहुंच पाई। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 396 पर पहुंचने के बावजूद भी इंग्लैंड की टीम स्ट्राइक बैक कर सकती थी, हर कोई जानता है। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम की तरफ से एक अच्छी शुरुआत जैक क्रॉली 36 रन बनाकर दे भी चुके थे, सबको डर लग रहा था। लेकिन कुलदीप यादव ने और साथ ही साथ अक्षर पटेल ने बेन डकेट और इनका विकेट लेकर इनको तो रोक दिया था। अब बाकी खिलाड़ियों को रोकने के लिए भी तो गेंदबाजी चाहिए थी ना, लेकिन आज गेंदबाजों की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक गेंदबाज ही दोस्तों काफी था। दोस्तों आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज बनकर उभरे ना कि मैदान में आकर सबकी कमर तोड़कर चले गए, वो भी अकेले। दोस्तों उन्होंने ओलीपॉप को 23 पर बोल्ड किया, उन्होंने जो रूट और जॉनी बेस्टो इन दोनों को दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बेन स्टोक्स को 47 पर क्लीन बोल्ड किया और फिर बुमराह ने टॉम हार्टली को भी दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। इनफैक्ट जाते जाते जेम्स एंडरसन का विकेट भी ये ले गए, यानी कि 6 विकेट इनके नाम रहे। बुमराह ने दोस्तों रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तो बनाए ही है, सबका दिल भी जीत लिया है। लेकिन इसी के साथ साथ जो बुमराह ने और भी किया है वो ये है दोस्तों कि पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊपर पहुंचा दिया है। अब दोस्तों बुमराह की इसी ताबड़तोड़ गेंदबाजी पर दुनिया के दिग्गज उन पर फिदा हो गए हैं। किसने क्या कहा है चलिए अब आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मैक्सवेल ने कहा, मैंने आज तक इतनी खतरनाक गेंदबाजी एक ही स्पेल में नहीं देखी और ये केवल बुमराह ही कर सकते हैं। देखिए इंसान अगर बुमराह के आगे आ जाए ना तो उसको सारी तैयारी करके ही आना चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो जाए लेकिन बुमराह सारे पैंतरे जानते हैं खिलाड़ियों को आउट करने के। शायद इसीलिए हर कोई आज उनके सामने बेबस दिखा। उनकी गेंदबाजी के लिए, उनके 6 विकेट के हॉल के लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। वही दोस्तों आपको बता दें कि इसी के साथ साथ रोहित शर्मा ने भी कहा, कमाल कर दिया जसप्रीत बुमराह, आपसे उम्मीद थी कि आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे लेकिन इतनी भी ज्यादा अच्छी कर जाएंगे ये नहीं पता था। एक और 5 विकेट हॉल और साथ ही टोटल 6 विकेट के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है आप ऐसे ही इस पूरी सीरीज में ना भारत के लिए अच्छी गेंदबाजी करते रहें और जिताते रहें। तो वहीं दोस्तों विराट कोहली ने भी कहा, जसप्रीत बुमराह मजा आ गया, आज वाकई में मैंने जो सबसे ज्यादा मिस किया ना वो ये कि लाइव आपकी गेंदबाजी नहीं देख पाया, वरना सच बताऊं तो टीवी स्क्रीन से एक बार भी नजर नहीं हटी। लोगों के तो रिकॉर्ड याद किए जाते हैं, आपका ये पूरा गेंदबाजी का स्पेल इतिहास में याद किया जाएगा। आप बहुत ही उम्दा गेंदबाज हैं, बस ऐसे ही भारत को जिताते रहिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एमएस धोनी ने भी लिखा है, आज लगा कि भारतीय क्रिकेट टीम सीरियस है मुकाबले के लिए, वरना पिछले मैच में तो हमारा प्रदर्शन बहुत ही घटिया था बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में, लेकिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया वो जुनून जिसकी जरूरत थी। उम्मीद है ये पूरी सीरीज में कायम रहेगा और हम इसे जीत कर भी आएंगे। दोस्तों धोनी का ये बयान और बाकी खिलाड़ियों का भी दर्शाता है कि सब बुमराह के प्रदर्शन से कितने ज्यादा खुश हैं। वैसे आप सभी बुमराह की गेंदबाजी और उनके रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।